अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तिवारी भैया, आपके पास कोलंजन है? हाँ है ना। क्या रेट दिया? 500 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हैं भैया, रामनारायण बाजार में तो 300 रुपए किलो मिल रहा है और आप 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। अरे तो जाइए ना रामनारायण बाजार से ही खरीद लीजिए। अब वही तो बात है, अब इतनी दूर कौन जाए। अच्छा, दूर भी नहीं जाना है और पैसा भी नहीं खर्च करना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भैया बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने बेच रहे हैं आप वो कुलंजन? अब भैया रामनारायण बाजार में जो चीज 300 रुपए किलो मिलती है वो ये 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब आइए, हम 400 में देंगे, आइए। अरे वाह 400! अरे एक मिनट, क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? या 500 का माल 400 में बेच रहे हैं? ये तो मार्केट खराब करने वाली बात हो गई ना। दुकान हमारी, रेट हमारे, जिस रेट में चाहेंगे हम देंगे। आइए आइए। अच्छा, हम 350 रुपए में देंगे। 350? हम 300 में देंगे। अरे 300 रुपए, 150, 50, 50 रुपए, 25, 25 रुपए, 10, 10 रुपए। अरे सुनिए, मुफ्त में देंगे और साढ़े 25 रुपए देंगे और जाने का भाड़ा भी देंगे रिक्शे का। आइए। क्या बोलते तिवारी भैया, इससे अच्छा कोई ऑफर है आपके पास? विभूति भैया, मैं आपकी दुकान से सौदा लेने आ रहा हूँ। धंधे का ABCD भी नहीं पता, चले यार धंधा कर दे। भाभी जी, डॉक्टर साहब का 1 किलो कोलंजन तोल दीजिए। अब ही देते हैं। सही है साहब, भैया ये लीजिए। चलो भैया। भैया वो ऑफर के 25 रुपए और भाड़े के 100 रुपए, कुल मिला के 125 रुपए, वो भी दे दीजिए। आपको हराम का कैसे हजम हो जाता है? हाँ हाँ भैया, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ। सब हजम कर लेता हूँ। और देखिए, ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहिए, मैं अपने सारे पेशेंट को यहीं भेजूंगा और मैं भी आता रहूंगा। थैंक यू भाभी जी। मुफ्त खोर कहीं के। भाभी जी आप आराम कर लीजिए, सुबह से काम कर रही हैं आप। नहीं नहीं, इतना काम तो नहीं किए हम। भाभी जी बहुत काम कर रही हैं आप, प्लीज बहुत काम कर रही हैं। अब तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हम आपके नौकर हैं। भाभी जी प्लीज, अपने आप को नौकर बोल के अपमान मत कीजिए मेरा, प्लीज। हम नौकर हैं और आप हमारे साथ नौकरों वाला ही बर्ताव कीजिए। कुछ ऐसा आपके साथ लड्डू के भैया किए रहे ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बर्ताव। हाँ भाभी जी, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम देखे रहे कि लड्डू के भैया आपका कितना बेइज्जती करते थे वो टाइम जब आप वहाँ काम करते थे, और हमको बहुत बुरा लगता था। उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि जब कोनो किसी का बेइज्जती करता है तो कितना दर्द होता है दिल में। भाभी जी वो अलग टाइप के आदमी है, मैं तो प्रेमी किस्म का आदमी, आप तो जानती हैं। आपको हमरा कसम, आपको ये एक्टिंग करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा एक्टिंग करना है जैसे आप हमरे ऊपर जुलम कर रहे हैं। भाभी जी आपने कसम दे दी, अब तो मुझे आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ तो एक्टिंग ही तो करे ना, कर लीजिए। ठीक है भाभी जी, अब देखिए कैसी एक्टिंग करता हूँ मैं, अब देखिए। और हाँ एक तो बात, अनीता जी को ना ही बताइएगा, ना ही तो वो आपको ना ही करने देंगे, वो नारी शक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं ना। ठीक है भाभी जी, नाउ गेट रेडी। आए भाभी जी, आई लव यू, आई लव यू। अरे ये पगली कहाँ चली गई? अंगूरे गुरी? का? अगली इतनी रात को तुम दुकान में क्या कर रही हो? हाय दिया, और आप सोए ना ही, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पगली पत्नी जो है वो इतनी रात को घर के बाहर किसी दुकान पर काम कर रही हो और हम जो अंदर खराटे लेते रहे। हाँ आप सो जाइए, कहा है कि हमारा काम है। अरे पता है काम है, लेकिन 24 घंटे काम करती रहोगी क्या? अरे रात को आदमी रोमांस करता है पगली, काम थोड़ी ना करता है। लेकिन हमको अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है। अरे लेकिन इतनी जोर जोर से काम काम काहे चिल्ला रही हो पगली? शरीर को आराम देना भी जरूरी होता है पगली, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। हम
हमारा कम्युनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, हम ऐसे बीमार ना ही पड़ते हैं। वो इम्यूनिटी सिस्टम होता पगली। सही पकड़े हैं। अरे अपनी इम्यूनिटी ठीक करती रहोगी या आगे हमारी भी इम्यूनिटी ठीक करोगी? आपका भी तो इम्यूनिटी अच्छा ही है। अरे बहुत खराब है, आके ठीक करो ना। ना ही अभी ना ही आ सकते, हमको एक चूहा पकड़ना है। अरे तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा चूहा है। हाय दिया, लेकिन वो चूहे को तो पकड़कर जंगल में छुड़वा दिए थे ना। अरे लेकिन कमबख्त लौट आया है ना, और अभी और भी ज्यादा जंगली हो गया है। आप अपना चूहा पकड़िए, हमको यहाँ का चूहा पकड़ना बहुत ही जरूरी है, हम ना ही तो चैन से ना ही बैठेंगे। वैसे भी ये हमारे सेठ का दुकान है। तुम्हारे सेठ का घुइया खेत में। अले जुके भैया, आप हमारे सेठ को इंसुलिन ना ही कीजिए। इंसल्ट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे छोड़ो ना, आ जाओ ना। ना ही। हम कह रहे हैं ना, आ जाओ। अब बोले ना ना ही। क्या हुआ बेबी, वाह यू पोकिंग मी यार। बेबी के बच्चे, तुमने अभी तक अंगूरी जी को काम पे लगा रखा है? मुलाजिम काम करने के लिए होता है। प्रभु, तुम एक लेडी से इतनी रात में काम करवा रहे हो जो कि सरासर एक जुल्म है, एक गुनाह है। और तुम्हें पता है ना, मैं इस चीज के लिए तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हूँ। स्टॉप इट यार, सलाखों के पीछे क्यों पहुंचाओगी मुझे यार? मैंने कौन सा कोई स्कैम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का कत्ल किया है? कम ऑन यार, एक लेडी से इतनी रात तक काम करवाना ना, एक कत्ल करने के बराबर ही है। यार अब क्या तुम बेकार की बातें लेके बैठ गई हो यार भाई। विभो तुम अभी उठो, जाओ अंगूरी जी को रिलीफ करो, उनको बोलो जाए तिवारी जी के पास जाए। जाओ तुम ही बोल दो उनको रिलीफ कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।